नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जियां तोड़ लेते हैं जो उसमें लगनी है, जैसे है टमाटर जो चटनी में डलेगा। कैसा लग रहा है आपको टमाटर बताइए। मैं ज़्यादातर सब्जियां अपने ही गार्डन से तोड़ता हूं और काफ़ी समय हो गया जो मैंने बाहर से सब्जियां नहीं खरीदी हैं। आपको कैसी लग रही हैं वो भी बताइए और मैं इसका टूर भी दिखाऊँगा जल्दी ही अपनी सब्जियों के गार्डन का। और ये हमारा मेन इन्ग्रीडियंट यानी बैंगन। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ बैंगनों को, छोटे में ही इसका स्वाद रहता है। बड़े में हो जाते हैं तो फिर बीजें कड़े हो जाते हैं, जिसमें मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरों को तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है। ये हमने अपनी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि ऊपर से लेके आते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या और दूसरी खाद चिपकी ना रहे या कीड़े मकोड़े ना हों, इसलिए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है हमको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गंदगी आएगी हमको ही खाना है, हमारे ही दांतों में किरकिराहट होगी यदि कोई मिट्टी आएगी तो। ये सब्जी हमारी तैयार हो गई धुल के, अब बैंगनों को काटने का। अब इसकी स्लाइस देखिएगा, इतनी पतली पतली ही काटनी है इसमें अच्छी तरह से। अब मैंने जो मसाला बनाया हुआ है जिसमें नमक मिर्ची गर्म मसाला, उसको अच्छी तरह से छिड़क के अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि मिलेगा तभी टेस्ट आएगा। और फिर हमने बेसन का बैटर बनाना है। हमने बेसन और उसमें थोड़ा सा अरारूट मिलाया है, जैसे अरारूट से क्या होता है कि क्रंचीपन रहता है जब हम तलेंगे या बाद में भी खाएंगे तो एक क्रिस्पनेस बनी रहेगी। और कुछ मसाले जैसे अजवाइन, मिर्ची, धनिया और नमक, ये हमने डाल दिया इसमें। और हाथ से ही इसको थोड़ा सा मिलाएंगे हम, क्योंकि पहले मिला लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसमें, और जो गांठें होंगी वो भी फोड़ लेंगे इसमें अच्छी तरह से। फिर पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। बैटर ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ग्रेवी वाला होना चाहिए, मतलब लिक्विडी होना चाहिए। अब इसको तल लेते हैं हम। अब मेरे को ये देख के कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बंगाली भाई होंगे या बिहारी भाई होंगे तो वो देख के कुछ और भी फील कर सकते हैं, बट ये बैंगन हैं और प्योर वेज हैं और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। बट आप लोग खाएँ, खूब इन्जॉय करें और पकौड़े बनाएँ और साथ में मिर्ची ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा। और मेरे को पर्सनली तली हुई मिर्ची बहुत अच्छी लगती है नमक डाल के। ये हमारे तैयार हो गए बातों ही बातों में। अब पकौड़े हैं और उसके साथ धनिया की हरी चटनी ना बने भाई, बताइए किस किस को हरी चटनी पसंद है। और मैं तो रोटी के साथ भी खाता हूँ और मैक्सिमम चीज़ों के साथ। और ये हमारे तैयार हो गए बैंगन के पकौड़े, आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।